भागलपुर जिले में नए डीएम आने के बाद रोजाना सभी एक एक करके प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में जिले डीएम सुवर्ण सेन ने जिले के जगदीशपुर प्रखंड में डीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां डीएम ने सबसे पहले बलुआचक स्थित पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया, फिर प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण करते हुए राशन कार्ड के आवेदन जमा करने को लेकर आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण किया। डीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले में अभी नया के रूप में जिस पोल पे लेकर जिले के सभी विभागों के भौगोलिक जांच कर पता कर रहूंगा। आरटीपीएस काउंटर पर समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। किसान से धान खरीद मामले को लेकर जोर दिया जा रहा है और जांच किया जा रहा है कि जो भी कमियां होंगी उसे दूर किया जाएगा। बिहार के लिए भागलपुर से शिव कुमार के लिए। निरीक्षण किया गया यहाँ पे। देखिए अभी ज्वाइन करने के बाद मेरे द्वारा ब्लॉक का भ्रमण किया जा रहा है, ब्लॉक अंचल कार्यालय पीओ का ऑफिस, तो ये जा करके देख रहे हैं। इससे एक तो भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी मिल रही है और क्या समस्याएं और जो कार्यालय फ्लोर पर है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, संबंधित पदाधिकारियों से बात भी हो रही है, दिशा निर्देश भी हम लोग दे रहे हैं। धान अधिप्राप्ति की गति और तेज हो उसके लिए भी समीक्षा की जा रही है। आरटीपीएस से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो सही तरीके से सही समय पर सबको मिल सके, इसके लिए हम लोग आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। पंचायत स्तर पे भी हमारे आरटीपीएस कार्यालय संचालित है, वहाँ से भी हम लोग कर रहे हैं। कैश बुक वगैरह में जो भी अपडेशन का काम छूटा हुआ है उसके लिए भी निर्देश दिया गया है। और आपदा से संबंधित जो 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान है, जो डूबने नदी में डूबने से हो या सामूहिक दुर्घटना में हो, उसमें जो भी पेंडेंसी है उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो इन्हीं सब जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनको लेकर के समीक्षा की जा रही है। सर यहाँ नहीं ऐसा स्पेसिफिक देखिए, ये बहुत जनरल बात करने से होगा नहीं। अगर कहीं भी किसी तरह का किसी स्कीम में गड़बड़ी की कोई बात है किसी भी माध्यम से लिखित या ऐसे ही मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या जनरल पब्लिक के फ़ोन के माध्यम से अगर आता है तो हम लोग जाँच कराएंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर यहाँ पे जगदीशपुर में बालू खनन भी होता है, इस पर किस तरह की पहल की जाएगी आपके से? वही है कि मैंने जैसे बताया कि अभी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। अगर अवैध उत्खनन की बात होगी, किसी गलत तरीके से क्रियाकलाप में संलिप्त करने की बात सामने आएगी तो हम लोग उस पर